चार साल में नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी ने और आरएसएस ने हिंदुस्तान को किया दिया। शुरुआत में कहा साल में 2 करोड़ युवाओं को प्रधानमंत्री रोजगार देगा। मेरे नौजवानों, क्या मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपकी ताकत के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आप होनहार हैं तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है? बताइए कि 2 करोड़ युवाओं को आपने जो वायदा किया था वो आप पूरा नहीं कर पाए। आप बताइए कि अगले साल में आप हिंदुस्तान के युवाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, हमने नौकरी शब्द प्रयोग नहीं किया है। अगर आर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? MBA, BCom, MBA करके और पकौड़ा बेचेगा, हमारे माँ बाप इसलिए पढ़ा रहा है, हम पकौड़ा बेचा। हर साल 2 करोड़ जॉब्स मिलेंगी बंदों को, ये 4 साल होने को है, 10% जॉब अभी तक नहीं मिला है किसी बंदों को। मैं खुद भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके TA पे काम करता हूँ, 300 रुपये पर डे के हिसाब से। क्या क्या हुआ है हमारे यूथ के लिए? कुछ हुआ है? करोड़ों युवा बेरोजगार, रास्ता नहीं दिख रहा है, समझ नहीं आ रही है क्या करना है। और देश का युवा सवाल पूछ रहा है कि रोजगार की जो समस्या है, और ये सबसे बड़ी समस्या है, देश का युवा पूछ रहा है कि रोजगार की समस्या को कैसे हल किया जाएगा। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जहां भी जाते हैं भ्रष्टाचार की बात करते हैं। कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, याद है आपको? याद है ना भाइयों? मैंने मेरा मंत्र है न खाता हूं न खाने दूंगा। हिंदुस्तान में एक ही कंपनी है, मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया किया, मेक इन इंडिया किया, बेरोजगारी बढ़ा दी, मगर तो हिंदुस्तान में एक ही कंपनी है जो 50,000 रुपए को 3-4 महीने में 80 करोड़ रुपए में बदल सकती है, और वो अमित शाह जी के पुत्र की कंपनी जय शाह ज्यादा आ गया। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए उठा के भाग सकता है, मालिया 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग सकता है, ललित मोदी भाग सकता है। स्विस बैंक की बात होती थी, आप मुझे बताओ, 3 साल से सरकार है, कितने स्विस बैंक अकाउंट होल्डर जेल में, आप मुझे बता दो, एक नाम बता दो जिसको नरेंद्र मोदी जी ने जेल में डाला। विजय माल्या बाहर बैठा हुआ है, मजे ले रहा है इंग्लैंड में। जो लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उन्हें भी हम रुपये ले आए ना, वो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को 15-20 लाख रुपए भी मिलते। देखिए, ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है। मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब कहते हैं ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा। कुछ तो बोलिए मोदी जी, कैसे चौकीदार हैं, चोरी हो गई आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। जनता के दिमाग में सवाल है, आप चौकीदार हैं या भागीदार? भाजपा की सरकार बनते ही इन छोटे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अरुण जेटली जी कहते हैं किसान का कर्जा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं है। जो राज्य इस प्रकार की नीति का अमल करना चाहते हैं उन्हें अपने साधनों में से करना पड़ेगा। पिछले साल 1,30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 10-15 सबसे बड़े उद्योगपतियों का माफ किया, उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर देंगे, 2 मिनट में कर देंगे, बिना पूछे कर देंगे। मगर छोटा व्यापारी हो, छोटा बिजनेसमैन हो,
मिडिल क्लास बिजनेसमैन हो या किसान हो उसका कर्जा कभी नहीं माफ कर सकते। उद्योगपति है अंबानी अंडानी जो है उनके जेब के भर के ये सरकार पीछे की तरफ से पीछे के दरवाजे से अपने जेब में डालना चाहती है और किसानों को धोखा देना चाहती है। क्या गलती की है हिंदुस्तान के किसान ने, क्या कमी है हिंदुस्तान के किसान में? अगर सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं हो सकता है?